हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी क्लास कैसे हैं आप सभी लोग कैसा है आप सभी का जो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक नया टॉपिक नया चैप्टर डिक्शनरी आज बिल्कुल नए अंदाज में सारी चीजें बिल्कुल नए शुरुआत से नए सिरे से पढ़ी जाएंगी तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे अपने दोस्तों को फटाफट से लाइव बुला लीजिए स्टार्ट करेंगे उसके बाद डिक्शनरी अर्जुन बैच की क्लास इक्कीस है इससे पहले हमने बीस क्लासे कंप्लीट कर ली अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना जाके बहुत मजा आएगा उनमें ठीक है तो फटाफट से लाइव आ जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी जय हिंद मेरे लाल लव यू टू लव यू टू जय हिंद मेरे शेर फटाफट से एक बार क्लास को शेयर मार दो यार जल्दी से ताकि सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाए ठीक है गुड मॉर्निंग अब्रीवान गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग चलिए जल्दी करिए भाई गुड मॉर्निंग रे लाला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखो भाई अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की क्लासेस की टाइमिंग की सुबह दिन में दो बार क्लासे होती है एक सुबह आठ से नौ क्लास होती है आपकी सुबह एट ए एम से नाइन ए एम जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं और जो दूसरी क्लास है रीजनिंग की वो होती है शाम को सात से आठ जिसमें हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलती है जो जैसे आज हम डिक्शनरी का पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे तो जो शाम को सात बजे क्लास है उसमें धुआधार प्रैक्टिस होगी किसकी डिक्शनरी की अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप लोग चार से छह सोमवार से शनिवार आठ पर संपर्क कर सकते हैं ठीक है मेरे लाल अच्छा मिलना ही है मेरे से बातें नहीं करनी है तो सिलेक्शन लेके आओ फिर जरूर मिलेंगे आपसे सिलेक्शन लेके आइए फिर जरूर मिला जाएगा आपसे अगर आप नए नए हैं टीम के साथ अभी जुड़े हैं तो आर एस सर यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो हम दिख जाएंगे आपको अब हमें ढूंढने के लिए आपको क्या करना है हमें ढूंढने के लिए आपको प्ले वाले तीसरे नंबर के सेक्शन में जाना है जहां लिखा हो प्ले अब इस प्ले सेक्शन के अंदर आप लोग देख रहे हो गए नंबर एक दो तीन चार और पांच ये प्लेलिस्ट है रीजनिंग की इसके अंदर रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे अब तक हमने ये अपनी ट्वेंटी फर्स्ट क्लास है ना अर्जुन बैच की ध्यान रखना ये अर्जुन बैच की 21वीं क्लास है और ये सारी की सारी इक्कीस क्लास है आज वाली भी ऑलरेडी इसमें सेव हो चुकी है देखिए आप लोग इक्कीस तो सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस में सेव है और सारी प्रैक्टिस क्लासेस में सेव है बी सी क्लासे है हुई अभी ठीक है मेरे लाल उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ की के के तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं वाई ग्रुप वाले अगर वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी जो है यहां प्ले बनी हुई है प्ले नंबर दिस एंड दिस ओके चलिए इसके बाद अगर सर थोड़े से मोटिवेशन की हम बात करते हैं है ना अगर हम थोड़े से मोटिवेशन की बात करते हैं तो ले लो थोड़ा सा मोटिवेशन क्योंकि जिंदगी इसके बिना तो अधूरी है सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए अरे सफलता की पोशाक कभी जो है किराए पर नहीं मिलती या कभी खरीदी नहीं जाती है या तैयार नहीं मिलती है उसे मेहनत करके और आपकी जो मह, उसका जो हुनर है वो आपके हुनर के अंदर उसको तराशने वो आपके अंदर हुनर होना चाहिए जो आप उसको तराश सको ठीक है चलिए मेरे लाल स्टार्ट करते हैं अभी इसी बात के ऊपर डिक्शनरी ठीक है डिक्शनरी जिसको हिंदी में कहा जाता है शब्द ठीक है हिंदी में कहा जाता है शब्द कोश डेफिनेटली यहां से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा एक मार्क्स का क्वेश्चन यहां से मिलता ही मिलता है ओके चलिए जय हिंद अब शुरू कर रहे हैं क्लास को फटाफट से ले आओ अपने दोस्तों को पकड़िए स्टार्ट हो गई है क्लास ठीक है चलो मेरे लाल चलिए आ जाइए भाई एक नंबर का डेफिनेटली यहां से आता ही आता है ठीक है एक नंबर का डेफिनेटली यहां से आता ही आता है चाहे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करो चाहे नेवी की तैयारी करो कोस्ट गार्ड एस एस सी जी आर्मी जी किसी की भी तैयारी करो ठीक है अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये टोटली ये चैप्टर जो है टोटली बेस्ड होता है अल्फाबेट्स के ऊपर अल्फाबेट्स के ऊपर टोटली बेस्ड होता है अल्फाबेट बेस्ड चैप्टर है मतलब आपको शुरुआत से अपनी कक्षा एक में पहुंच जाना है ए फोर एप्पल एक पर आता है बी फोर बड़ा एप्पल दो पर आता है सी फोर छोटा एप्पल तीन पर आता है डी फोर डॉग चलो आ जाओ उसके बाद सर जी इनका सीक्वेंस पता होना जरूरी है जो आपको मैंने रटवा दिए एकदम है ना मैंने आपको रटवा दिया मैं बोलूंगा तेईस पर कौन आता है आपके मुंह से निकलेगा डब्लू आता है मैं बोलूंगा चौबीस पर कौन आता है आप बोलोगे एक साथ है बोलूंगा चलो आठ बताओ आप बोलोगे एच होगा है ना तो आप लोगों को उम्मीद है याद हो गई हो क्योंकि मैंने रिपीट इतनी बार कराई करी है कि जिस भी बच्चे ने सारी क्लासे ली है ना उसको अच्छे से याद हो गया होगा ठीक है अब सुनो सर जी अच्छा इनको अरेंज कैसे करते हैं ये सारी चीजें बताई जाएंगी देखो जब छोटे थे ना तो डिक्शनरी आया करती थी है ना जब टीचर बोला करते थे इस शब्द का मतलब बताओ फिर आप डिक्शनरी में ढूंढा करते थे सर जी इस शब्द का मतलब तो ऐसे ऐसे होगा फिर आपको एक अंदाजा हो गया था कुछ दिनों बाद में कि ये ये शब्द जिसमें डी ओ जी लिखा है तो ये डी ए के बाद में डी ओ आएगा और डी ए मान लो कहीं पे एच लिखा है तो आप, आप सोचोगे यार एच से तो पहले आना चाहिए था तो सर जी उससे पहले फिर आप ढूंढने लगोगे इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग आप लोगों ने बचपन में किए हैं थोड़ी प्रैक्टिस मारी होगी डिक्शनरी के साथ में थोड़ा थोड़ा इधर उधर गेम भी खेले होंगे आप लोगों ने लेकिन आज उसको हम वास्तविकता में करने जा रहे हैं इसको मैं आपको नॉर्मली बताता हूं मान लो आपको मैं कहता हूं चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में लिखा गया है एच ऑप्शन बी में लिखा गया है सी ऑप्शन डी में लिखा गया है एम और ऑप्शन ई ऑप्शन सी में लिखा गया एम और ऑप्शन डी में लिखा गया है मान लो एक्स है ना एच सी एम एक्स अब मैं आपको बोलता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस एज पर दी ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी दिए गए ऑप्शंस को डिक्शनरी के आधार पर जचाओ तो आप कहोगे सर जब हम जब भी मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था और मैं इन सबको डिक्शनरी में जचाता भी था हमने कहा कैसे जचाते थे बोले सर मैं इनके ना नंबर्स लिख लेता था कि एच आठ पर आता है है ना एच आठ पर आता है सी तीन पर आता है एम तेरा पर आता है एक्स चौबीस पर आता है तो मैं नंबर लिख के पता कर लेता था कि पहले कौन आ रहा है और बाद में 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 कौन सेम वही सीक्वेंस मेरे पास ये चीजें डिक्शनरी मिल जाती थी है ना जी डी की मैथ्स करा दो मेरे मेरे भाई मेरे लाल कमांडो लवर SSC GD की मैथ्स अभिषेक सर कवर करा रहे हैं मेरी क्लासेस जस्ट पहले उनकी क्लास होती है और शाम को तीन बजे उनकी क्लास होती है, है ना वो भी दो क्लासे ले रहे हैं एस एस सी जी डी की मैथ्स आप उनसे पढ़ सकते हो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा एस एस जी डी पढ़ेंगे इस बार फोड़ेंगे ठीक है चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सर इनको जिचाने के बाद डिक्शनरी में कैसे जिचाएगा तो कहा जाएगा कि सर डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर लिखा जाता है पहले छोटा लेटर फिर उससे बड़ा लेटर फिर उससे बड़ा लेटर फिर सबसे बड़ा लेटर तो आठ तीन तेरह चौबीस में सबसे छोटा कौन है सर बी ऑप्शन सबसे छोटा है तो आप लिखोगे बी बी ऑप्शन के बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा सर जी ये तो हो गया इसको तो हटा दो आठ तेरा चौबीस में से कौन सा आएगा सर जी ए ऑप्शन आएगा तो आप लोग लिखोगे ए ऑप्शन उसके उसके बाद में, उसके बाद में 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 सर जी तेरा और में से एम कौन सा है ऑप्शन सी और बच गया कौन सा ऑप्शन डी तो ये सिक्वेंस होगा सर इनको डिक्शनरी के अंदर लिखने का ठीक है ये सिक्वेंस डिक्शनरी में लिखने है. अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिनसे आपकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी और खुल जाए ठीक है आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी और खुल जाए आ जाओ मान लो मैं पूछता हूं आपसे मैं पूछता हूं आपसे बताइए बताइए डॉग कैट एनिमल पैरट एलिफेंट है ना दिख रहा है ऑल क्लियरली विजिबल मुझे आप लोग वर्ड्स में अरेंज करके देओ कि अगर मैं इसको डिक्शनरी में लिखूं डिक्शनरी में लिखूं तो इसका क्या सीक्वेंस होगा पहले कौन सा लेटर आएगा फिर कौन सा लेटर आएगा फिर कौन सा लेटर आएगा फिर कौन सा लेटर आएगा एंड सो ऑन जल्दी अगर मैं इसी चीज को डिक्शनरी में लिखूं तो फिर पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन आएगा जल्दी मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे डुफास्ट एवरी वन थोड़ा सा फास्ट करेंगे डॉग, कैट काउ पैरट पिकॉक चलिए चलो कमेंट्स देख लें एक बार आपके एनिमल आएगा सर पहले फिर कैट आएगा फिर डोग आएगा एलिफेंट आएगा और फिर पैराट आएगा ओके गुड 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 देखो सर हमें पता है हमें सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर उठाना है क्या करना है सिर्फ पहला लेटर उठा के चेक करना है पहला लेटर उठाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ही लेटर पर फोकस मारना है पहला लेटर कितने पर आता है चार पर पहला लेटर कितने पर आता है तीन पर पहला लेटर कितने पर आता है और सच में दिख रहा है आप लोगों की कैसे आप लोगों के साथ में कोडिंग में काम आया ओल्ड वन आउट में काम आया एनोलॉजी में काम आया डिक्शनरी में काम आ रहा है और बहुत सारे देखो कितने कितने सारे सवाल आपने कर लिए सर इनमें से सबसे पहले कौन आएगा सर चार तीन एक सोलह पांच में से सबसे छोटा है एक तो सबसे पहले एनि कैट आया तो, तो एनिमल के बाद में कैट लिखूंगा कैट को अब मैंने हटा दिया अब इन तीनों में से देखोगे सबसे छोटा कौन है तो आप बोलोगे डॉग सर जी डॉग के बाद में अगला बोलो अगला होगा सर जी एलिफेंट एलिफेंट के बाद में अगला बोलो अगला होगा सर जी पैरट है ना ये सीक्वेंस बनेगा अगर इन शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर लिखा जाए तो है ना मेरे लाल आ रहा है समझ ठीक है अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ नीचे वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे लाल ठीक है नीचे वाले सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है यह बस यहीं से चालू हो रही अभी है आपकी डिक्शनरी समझ लो सर जी आपने जैसा कि कहा कि डिक्शनरी के आधार पर जो चाहिए डिक्शनरी के आधार पर जचाइए तो हमने जचाना चालू करा पता किया डॉग कितने पर आता है तीन पर पता, पता कराउ कितने पर आता है सोलह पर. पर, पर पी कितने पर आता है सोलह पर तो हम जब यहां पहुंचे तो हमें एक चीज का पता ये चला कि यार ये चार तीन तीन सोलह सोलह तो एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि पांच लेटर्स है ना एक दो तीन चार पांच ये पांच लेटर्स मुझे भरने हैं तो एक चीज का पता चला मुझे कैट और काऊ शुरुआत में आ जाएंगे दो में इन दो में ही भरे जाएंगे क्योंकि सबसे छोटे यही हैं अब पहले कैट आएगा या पहले काऊ आएगा वो आपको ढूंढना है है ना यही तो है सीक्वेंस बाकी तो बड़े भाई तीन से ये चार आ गया तो ये और बाद में आएगा 16 आ गया ये और भी बाद में आएगा तो मुझे इतना पता है कैट और काऊ या तो कैट यहां लिखी जाएगी काऊ यहां या फिर कैट यहां लिखा जाएगी काउ यहां सिक्वेंस आगे पीछे हो सकता है अब ये हमें ढूंढना है ये हमारा काम है कि कैट पहले आएगी या काउ आएगी तो सर पहले पहले लेटर से नहीं पता कर पाए कि पहले ये आएगा या पहले ये आएगा चलो दूसरे लेटर पे चलते हैं दूसरे लेटर पे गए तो पता चला ए एक पर आता है और ओ पंद्रह पर आता है तो यहां से हम पता कर पाए कि एक छोटा है तीन के बाद एक आ रहा है तीन के बाद पंद्रह आ रहा है तो एक छोटा है पहले कैट आएगी क्या आएगी मेरे लाल पहले कैट आएगी कैट के बाद में कौन आएगा का हुआ आएगा अब हमें ओरों के ऊपर चलना है अब इन दोनों को भूल जाओ है ना अब इन दोनों को भूल जाओ अब आ जाओ या तो डोग या पैरट या पिकोक सर जी चार छोटा ये दोनों तो, तो, फिर भी बड़े हैं तो डोग यहां आ जाएगा अब सर जी इन दोनों में या तो पैरट आएगा पिकोक या पैरट आएगा पिकोक इन दोनों में ही दोनों चीजें होंगी पी इसमें भी है और पी इसमें भी है सोलह सोलर नहीं कर पता, पता कर पाए कौन का आएगा लेकिन पी कितने पर आ रहा है एक पर और यहां ई कितने पर आ रहा है पांच पर तो पहले पैरट आएगा फिर पिकोक आए एक छोटा है पांच बड़ा है तो पहले पैरट आएगा फिर पिको आएगा पी के से पिकोक है ना आया समझ बेसिक चीजें चल रही हैं सिर्फ दो चार मिनट का टाइम और दो बेसिक चीजें खत्म सीधा उड़ाएंगे फिर हम चैप्टर को है ना आज ही समझ में मजा आ रहा है सर अच्छी बात है चलो चलो अच्छी बात है पहली चीज से समझ में नहीं आया अगर पहली चीज को नहीं पता चला तो फिर हम दूसरी चीज पे आ जाएंगे चलो एक दूसरे दूसरे एक शानदार सवाल पे आते हैं आओ क्वेश्चन नंबर तीसरा ये मान लो एग्जांपल ओके चालू करें अगला सवाल चलिए डू फास्ट जिताना है कि कौन सा लेटर डिक्शनरी में पहले आएगा और कौन सा लेटर डिक्शनरी के अंदर बाद में आएगा कौन सा लेटर डिक्शनरी के अंदर बाद में आएगा जल्दी हाँ ये ब्लैक स्क्रीन देखो एक ब्लैक स्क्रीन तो यह होती है जो मैं

पर फिर वो लिखना पड़ेगा बाद में रहने देते हैं आप चाहो तो सी को ही हटा दो पूरे क्वेश्चन में से है ना आप अगर चाहो ना चलो दिखाते हैं आपको ट्रेलर दिखाते हैं आप अगर चाहते हो तो पूरे सवाल में से सी को हटा दो क्योंकि सी कोई काम का नहीं है यूज़लेस है अपने लिए कोई काम का नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा कि कितने नंबर पे आ रहा है सी है ना सी करम काउ कैट सवाल बन गया ये आपका जब भी सवाल के अंदर पहला लेटर या शुरुआत के दो लेटर पूरे क्वेश्चन में से मैं आप उनको हटा सकते, हो, इग्नोर मार सकते हो जैसे हो, लेकिन में कर पाएंगे हम, देखना इनको आप है ना सिर्फ देखने का तरीका बता रहा हो ऐसा नहीं कि सर ऑप्शन में नहीं मिला ये तो ओल्ड ओल्ड ऐसा कुछ था ही नहीं ऑप्शन में है ना देखने का तरीका बता रहे हैं सर पहला लेटर छोड़ दो दूसरे पे आओ एक दूसरा पंद्रह दूसरे लेटर ही तो ही इनके एक पांच ओ पंद्रह अब मैं वो लिख देता हूं आपको ग्रीन पेन से ताकि आपको अंदाजा रहेगा कि हमें पहला देखना ही नहीं है पहला तो सी है सर पहला देखना ही नहीं है दूसरे से डिसाइड करेंगे अब जब दूसरे लेटर पे गए दूसरा लेटर एक है पंद्रह है एक है पांच है पंद्रह है अब एक चीज देखो आप लोग कि सर एक सबसे छोटा है लेकिन दो ऑप्शन में एक आ रहा है इसमें और इसमें एक आ रहा है अब सारी कहानी इन्हीं लोगों पर चलेगी इन्हीं दोनों पे चलेगी सी के बाद में ए आया और ए के बाद में टी आया सी के बाद में ए आया ए के बाद में आ रहा है तो दो सेम थे इसमें ए ए ए सी सी भी 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 सेम 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 था C भी सेम था A भी सेम था था टी पर पर आता है, R 18 पर आता है है आर पहले आर आएगा फिर बीस आएगा तो सबसे पहला लेटर क्या आएगा मेरे लाल इसमें कैरम उसके बाद में कैट उसके बाद में अवसर अब ये दोनों कोई काम के नहीं अब वो बचे हुए तीन काम के आएंगे पंद्रह पांच पंद्रह तो उसके बाद कौन आएगा पांच आएगा पंद्रह वालों को आखिरी में रखेंगे तो सीमेंट आएगा तीसरे नंबर पे है ना सीमेंट आ गया तीसरे पे अब देखो सर जी काउ और कोल्ड में से सी इसमें भी है सी इसमें भी है ओ ओ इसमें इसमें भी भी है भी है डब्लू डब्लू सर जी तेईस पर आता है और एल बोलो इसमें बारह पर आता है तो बारह पहले आएगा डब्लू सर जी बारह पहले आएगा कोल्ड पहले आएगा और उसके बाद में आ जाएगा आपका काउ तो ये सीक्वेंस होगा और ये ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे कि शुरुआत के दो दो वर्ड सेम आ रहे हैं शुरुआत के तीन तीन वर्ड सेम आ रहे हैं अभी मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वेल डन गाइस कमेंट बॉक्स भर रखा है आप लोगों ने बहुत अच्छे वेल well डन लंका लगा दी यार एक बार क्लास को शेयर मार दीजिए सारे बच्चे एक बार शेयर हो जानी चाहिए क्लास दिल खुश हो जाना चाहिए है ना दिल खुश हो जाना चाहिए मेरे लाल अभी हम देखो आपको एक दो ट्रेलर दिखाते हैं है ना अब हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की चलो एक सवाल एक दो सवाल और करते हैं प्रैक्टिस में है ना ताकि आपको और भी थोड़ा स्ट्रॉग हो जाए एक दो सवाल और करते हैं फिर आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर एक दो सवाल और करते हैं जो चलिए इज वी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिक्शनरी के आधार पर कौन कितने नंबर पे आएगा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अरेज दर्ड डिक्शनरी दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर जचाइए दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर जचाइए कौन सा सेशन पहले करूं एस एस सी कलर का एग्जाम है भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्लास एस या बैंकिंग के लिए नहीं है ये सिर्फ इनसे आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं आप ये क्लासेस बैंकिंग के लिए नहीं है क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट है बहुत ज्यादा डिफरेंस है बैंकिंग के सिलेबस के लिए क्लासेस नहीं है ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग यहां करोगे तो सिर्फ बेसिक क्लियर कर पाओगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे ठीक है एस बी क्लर्क चलो हर क्लास में बोलता हूं ये बात मैं कि बैंकिंग वाले बच्चे परेशान मत हो ये क्लासेस बिल्कुल अलग है बैंकिंग के सिलेबस से बहुत अलग है बैंकिंग का सिलेबस बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला जाता है अलग चीजें हो जाती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आती नहीं है बैंकिंग में है ना तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो ठीक है आ जाओ हाँ बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक जरूर है ये क्लासेज आपके लिए अपने टॉपिक से मैच करो क्या टॉपिक मेरे एग्जाम में है आप लोग उसे मैच करके बेसिक पढ़ सकते हैं इनसे लेकिन आपके लेवल की चीजें यहाँ नहीं है ठीक है आ जाओ इस क्वेश्चन पे आओ फटाफट से बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं मेरे लाल देखो सर जी देखो एम तेरा पर आता है एम तेरा पर आता है एम तेरा पर आता है सब में से एम आप हटा सकते हैं क्योंकि सबके अंदर एम आ रहा है तेरा आ रहा है सब अलग अलग हो जाएंगे दूसरा लेटर देखेंगे ए एक पर आ रहा है एम ई e, पांच पर आता है ए एक पर आता है ओ पंद्रह पर आता है ई e, पांच पर आता है अच्छा अब डिसाइड होगा दूसरे लेटर से कौन कहा कैसे आता है सबसे पहले एक पांच एक पंद्रह पांच सबसे पहले कौन आएगा एक आएगा एक पर कौन कौन आते हैं ये और ये आते हैं अब इन दोनों में से भी तो पहले कोई आएगा तेरह और एक तेरह और एक अगला चेक करो एन चौदह पर आता है सी तीन पर आता है तो पहले मशीन आएगा मेरे लाल है ना पहले मशीन आएगा उसके बाद में बोलो मैन आएगा उसके बाद में बोलो सर दोनों को ही काट देंगे बोलना क्या है उनके बाद में इन दोनों में कोई एक आएगा एम ई एन एन के एन बोलो चौदह पर एन बोलो चौदह पर अब एन के बाद में कुछ नहीं आ रहा और एन के बाद देता हूं एन के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप आगे जीरो जीरो बढ़ा या बीस बड़ा सर जी जीरो तो छोटा है बीस बड़ा है तो पहले मैन लिखा जाएगा ऐसे सोच लिया करो आप ठीक है मैन उसके बाद में मिंट और उसके बाद में बच गया आपका मोबाइल ठीक है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आया समझ आपके शाबाश मेन मेन मोबाइल वेरी गुण, वेरी वेरी गुड 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 गाइस बहुत अच्छे तो ये सीक्वेंस है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन स्पेशली बनाया गया है कि जब भी कभी मान लो इसके तो सवाल ही खत्म हो गए -E भी एम ई एन था अब एन के बाद नहीं पता कुछ भी है और एन के बाद में टी आ रहा है तो आप एन के बाद जीरो मानोगे और एन के बाद बीस आ रहा है तो जीरो छोटा है टी बीस बड़ा है तो उसको बाद में और मेन को पहले रखेंगे चलिए आज अब कुछ क्वेश्चन करा दे आपको चालू कर दे अपनी गाड़ी को तैयार है आप सभी कमर कस लो स्टार्ट कर रहा हूं अभी क्वेश्चन को और जिस तरह से इन सवालों को मैंने बेसिक से समझाया आप लोग उनको भी बेसिक से समझ समझ के करोगे हर एक सवाल को इनमें आपको अलग अलग समझाऊंगा मैं देखते जाइएगा आप है ना आ जाओ वेल डन गाइस राकेश बहुत अच्छे चलिए बहुत अच्छे जिसने लाइक like नहीं ठोका लाइक like ठोक दो मेरे लाल लाइक ठोक दीजिए क्रैश कर दीजिए लाइक like बटन को आ जाओ आंसर कर दीजिए इस सवाल का व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

सब में एच है तो हम एच को पढ़ेंगे ही नहीं हम पहले ही एच को बाहर फेंक देंगे बोले तू हमारे कोई काम का नहीं है एच को हमने पहले ही बाहर फेंक दिया अब देखना मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको हलवे की तरह करना है पूरा सोल नहीं करना पूरा सोल नहीं करना जैसे कोडिंग डी में आधा सवाल करके खत्म करते थे ना वैसे ही आधा सवाल करके ही खत्म करेंगे इनको देखो एच कोई काम का नहीं है एच को हमने उखाड़ के बाहर फेंक दिया चलो दूसरे लेटर पे आते हैं दूसरे लेटर को हम लिखेंगे लाल रंग से ई कितने पर आता है सर जी पांच नंबर पर आता है ए कितने पर आता है एक पर ओ बोलो पंद्रह पर ओ बोलो पंद्रह पर ई बोलो पांच पर है ना ऐसा ही होगा क्या बिल्कुल सर ऐसा ही होगा सबसे पहले कौन आएगा आप लोग फटाफट से बोलेंगे सर सबसे पहले आएगा एक क्या बोलोगे आप फटाफट से सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी है क्या सबसे पहले नहीं है गलत ऑप्शन नंबर बी है क्या सबसे पहले नहीं है गलत अच्छा अब आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक के बाद में कौन आएगा सर एक के बाद में पांच और पांच आएगा पांच और पांच अब जरा देख लो पांच और पांच से तो नहीं पता करते पांच से अगला लेटर बोलो अठारह है आर अठारह पर आता है एल बोलो बारह पर आता है पहले पांच आएगा फिर एक आएगा तो पहले पांच आना चाहिए था फिर एक आना चाहिए था गलत पहले पांच आएगा फिर एक आ रहा है हमने आधा क्वेश्चन सोल्व करा और ऑप्शन बी सही आंसर लगा दिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि यही सवाल अब आगे स्पीड बढ़ाएंगे अपनी है ना अब यहां अपनी स्पीड बढ़ाने वाले अपन वेरी गुड चलिए है ना मेरे लाल समझ वेलडन बिफोर बेलगाम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल सर सेम चीज करनी है हमें पहला लेटर को छुपा लेना है क्योंकि पहला पूरा लेटर क्या आ रहा है डी आ रहा है सब कुछ छुपा देंगे पूरे सवाल में पहला लेटर डी है हम डी को ही छुपा देंगे हमने सवाल को ही अगले लेटर से चालू करा है हमने क्वेश्चन को ही अगले लेटर से चालू करा है चलो एक चीज बताऊं नोटिस करने लायक आप सारे के सारे ऑप्शन देखो पहला पहला कौन आ रहा है पांच आ रहा है पहला कौन आ रहा है पांच आ रहा है पहला बोलो पांच आ रहा है पहला बोलो पांच आ रहा है कंफर्म है डिक्शनरी का पहला लेटर पांचवा है ये डिक्शनरी में सबसे पहले नंबर पर आएगा नहीं चेक किया बिना चेक करे बता दिया कि यह पहले नंबर पर आएगा पांचवा क्योंकि सारे ऑप्शन दे रखा है चेक ही नहीं करना उसके बाद चेक करेंगे अब हम दूसरा भी पता चल रहा है देखो दूसरा तीन है दूसरा तीन है दूसरा तीन है कौन पहले और कौन बाद में आ रहा है खत्म हो गया सवाल आप कहीं पे आधे से भी कम कर दिया हमने क्वेश्चन को अब आ जाओ अब करते हैं डिसाइड कौन पहले और कौन बाद में आएगा अब इन दोनों को चेक नहीं करना है अब एक दो और चार को ही चेक करना है आपको एक दो और चार को ही चेक करना है आपको आ जाओ सर जी आर अठारह पर आता है काट दिया कलर बदलते हैं एक पर आता है एक पर आता है काट दिया अब आ जाओ अब पता कर पाएंगे जी सात पर आता है सी तीन पर आता है पी सोलह पर आता है सबसे पहले तीन आएगा फिर सात आएगा फिर सोलह आएगा तो मैं कह सकता हूं ये तीसरे नंबर पर आएगा चौथे नंबर पर आएगा और यह पांचवें नंबर पर आएगा सीक्वेंस बोलो फाइव थ्री टू फाइव थ्री टू किस में फाइव थ्री टू इसमें नहीं इस नहीं इसमें कौन सा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए right ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर बिल्कुल ठीक जवाब है आया समझ कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति आपदा कोई भी है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं चीजें समझ में आ रही है अगर नहीं आई तो एक एग्जाम्पल अलग से ले लेता हूं मैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं अपने को है ना एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं अलग से है ना चलो एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से ले और अच्छे से निचोड़ लेना है कल को नहीं सुनूंगा मैं डिक्शनरी नहीं आता मुझे सर है ना आ जाओ दूसरा वर्ड लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नो नॉट नथिंग आंसर में जल्दी नेट और लिख लो यहां नेट एन ई टी आंसर करो फटाफट से अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स पर एज द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर जचाना है है ना दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर जचाना है जल्दी जचा दीजिए वट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबडी नेट नेक्स्ट नेक्स्ट नो 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 नोट नथिंग जल्दी सर जी देखो N है नहीं पता कर सकते N, 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 और N. सब में N था नहीं पता कर सकते N से अगली चीज के ऊपर बात करते हैं पांच e, पर आता है ओ e, पंद्रह पर आता है ओ पंद्रह पर, पर आता है और ए अच्छा एन ओ था नथिंग था एन ओ टी एच आई एन जी ये भी पंद्रह पर आता है ए नहीं था ओ था यहां नथिंग है ना चलो तो सर इसके अंदर देखो क्या पता चला अगर ऑप्शन दिए होते ना तो हम अंदाजा मार लेते कि ये तीनों शुरुआत के तीनों में आएंगे ये तीनों आखरी के तीनों आखिरी के में में आएंगे सीक्वेंस बाद में सोचते है ना क्योंकि ऑप्शन होते तो हम अंदाजा मार के फटाफट -पड़ से आधा क्वेश्चन करके आंसर लगाते लेकिन अभी पता इन तीनों में से ये तीन पहले आएंगे और वो तीन आखिरी में आएंगे तो पहले इन तीनों का ही सोल्यूशन करते हैं टी बीस पर आता है टी बीस पर आता है तीसरा लेटर एक्स चौबीस पर आता है तीसरा लेटर एस उन्नीस पर आता है बोलो पहले कौन आएगा पहले आएगा सर जी बीस दैट इज नेट उसके बाद बोलो उसके बाद आएगा सर जी नेक्स्ट उसके बाद बोलो नेक्स्ट एन ई एस टी ये लो ये तो जैसे थे वैसे कि वैसे नहीं 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 सॉरी ये नेक्स्ट पहले नेक्स्ट बाद में आया वेरी गुड वेट 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 नेक्स्ट नेक्स्ट है ना अगले पर आओ सर इन तीनों में देखो o एनओ टी o अच्छा एन ओ के बाद कुछ नहीं आ रहा तो इसके बाद में जीरो माना जाएगा सीक्वेंस मतलब तो 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 था वैसा ही लगाए बस एक वर्ड चेंज हुआ है बीच का यहाँ पे ये दोनों बस आपस में चेंज हुए हैं बाकी जैसा था वैसा की वैसा हमने लिख दिया है गुड आया समझ अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो फोड़ोगे सवालों को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ है ना सवाल नंबर चार तीन ओके क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाओ विजिबल तो है क्लियरली इस दिस क्लियरली विजिबल ना क्लियरली विजिबल है ना ये कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई हाँ कर दिया ना उसको अच्छा अच्छा रुको रुको नेस्ट पहले आएगा कुछ बच्चे एन ई टी बीस पर आता है एनई अच्छा ओ हो 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 ये ये सीक्वेंस चेंज करो हाँ नेस्ट और नेक्स्ट इसको आगे पीछे कर दिया हमने नेस्ट और नेट क्यों क्योंकि एस उन्नीस पर आता है और एनई टी नेट बीस पर आता है ठीक है कर कर लेना भाई करेक्ट ओके ओके वेल डन गाइस कमेंट बॉक्स देख के मैं समझदार बन गया आपकी तरह ही कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को समझा देते हो अच्छे से मैं समझ जाता हूँ चिंता मत क्या करो आप है ना मेरे को समझ में आ जाती है आपकी चीजें चलो मेरे लाल हाँ ठीक है मेरे लाल कमेंट बॉक्स के अंदर सेम चीज रिपीट हो रही है आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस सर जी देखो एफ सब में सेम है सब में डिक्टो सेम है हम काम में ही नहीं लेंगे है इसको अरे तू सेम है हमारे कोई काम का ही नहीं है तो एन सब एफ सब में से हटा दो एफ सब में से हमने हटा दिया

P 16 पर आता है T 20 पर आता है C 3 पर आता है अब आप लोग एक चीज मेरे को बताओ कि क्या शुरुआत में आपको दिख रहा है तीन और तीन तो एक और पांच ही आएंगे शुरुआत में पांच पहले आएगा कि एक पहले आएगा वो देखना है हमें C के बाद में बोलो H 8 पर आता है C के बाद में बोलो H 8 पर आता है ओके सेम है सर अब बोलो I 9 पर आता है ई e, पांच पर आता है तो पहले पांच आएगा फिर एक आएगा पहले पांच और फिर एक पहले पांच आएगा फिर एक आएगा सर जी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है थोड़ा और आगे चलेंगे हम है ना ये पहले नंबर पे आया ये दूसरे नंबर पे आया थोड़ा और आगे चलेंगे बीस बीस सोलह तीसरे नंबर पर कौन आएगा तीसरा ही ऐसा चीज है जो तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि ये सोलह है बाकी दोनों में बीस बीस है अच्छा तीसरे नंबर पे तीन इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो सर ये ऑप्शन बी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया है अब देखो या तो टू फोर का सीक्वेंस बनेगा या फोर टू का सीक्वेंस बनेगा आखिरी के अंदर या तो ये पहले आएगा या ये पहले आएगा टी के बाद में एल इसमें भी एल है ओ इसमें भी वो है सी इसमें भी सी है के इसमें भी सी के है अब के तो खत्म हो गया लेकिन इसमें के, के बाद उन्नीस है तो इसका मतलब पहले दो आएगा फिर चार आएगा है ना पहले दो आएगा फिर चार आएगा दो और चार कौन से में है ऑप्शन नंबर सी में है डी भी गलत हो गया तो ऐसे आपको एक एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी सवाल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए अभी के लिए लेकिन जैसे ही सीक्वेंस बनेगा जैसे ही क्वेश्चन करने लगोगे सब हलवा होने वाला है इस चैप्टर का ठीक है धीरे धीरे बस ये चीज को नोटिस करते चलो आप लोग है ना मेरे लाल फटाफट से एक बार शेयर मारो यार क्लास में कम से कम 500 बच्चे होने चाहिए एक बार फटाफट से शेयर मार दीजिए लंका लगानी है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डुफास्टरी बड़ी डुफास्ट डूफास्ट डूफास्ट डुफास्ट्री वन अच्छा ठीक है ठीक है अच्छी बात है अच्छी बात है देखो शाम को बहुत प्रैक्टिस करेंगे अभी तो आपको मैं समझा शाम को आप को आपसे फुड़वाऊंगा सवालों नहीं है C -L -O सब में सेम है अपना सवाल ही चौथे लेटर से चालू हुआ है सीएलओ कोई काम का नहीं सब में सीएलओ है हम सीक्वेंस ही पता नहीं कर सकते पहले कौन और बाद में कौन आएगा सीएलओ को हमने बिल्कुल छोड़ दिया

तो या तो एक पांच होगा या पांच एक होगा अभी अभी पता करते हैं आंसर मिल जाएगा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको चेक करो बस सी ग्यारह पर आता है सी इसमें भी है ग्यारह सॉरी सी के बाद के है जो ग्यारह पर आता है के के पर K 11 पर L बोलो। L 12 पर एल एल बोलो आता है और डब्ल्यू तेईस पर आता है पहले बारह आएगा या पहले तेईस आएगा सर पहले तो बारह आएगा मतलब पहले एक फिर पांच आएगा पहले एक फिर पांच इसमें इसमें भी नहीं है इसमें तो पांच एक था तो एक पांच इज द राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है हो गया सवाल हो गया कि नहीं हो गया मेरे करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आंसर भर देते हो ना तृप्ति मिल जाती है ऐसे मतलब मतलब ऐसा होता है सार्थक है सारा पढ़ाया चलिए फोड़िए जल्दी इसी तरह के डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे मेरे साथ शर्त तो लगा के स्टाम्प पेपर पर पे लिखवा के ले जा सकते हैं सेम टू सेम सेम टू सेम सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं डिक्टो सेम टू सेम सीक्वेंस में चलो चलो मेरे लाल जल्दी करो स्टाम्प पेपर ले आना और सस्ते स्टाम्प पेपर पे साइन नहीं करो पांच सौ रुपया लेके आना कम से कम है ना चलो इज ऑफ दिस क्वेश्चन सर जी देखो वाई सब में सेम है वाही सब में सेम है उठा के पटक दो यार इसको गाड़ी में बिठाओ इसको वाई को उठा के लेके चलते हैं अपन है ना वाई सब में सेम है अब आप लोग पता है मेरे को आंसर दिख गया इस सवाल का है ना मेरे को इस सवाल का आंसर मिल चुका है पता है आप लोगों को कैसे मिल चुका है देखो कैसे मिलेगा सर जी देखो ए ए ए ओ ओ तो ए ए ए एक पर आते हैं ओ ओ पंद्रह पर आता है मुझे पता है चाहे कोई भी सीक्वेंस में लिखा जाए चाहे एक दो तीन लिखा जाए चाहे तीन दो एक लिखा जाए चाहे दो तीन एक लिखा जाए कोई भी सीक्वेंस में लिखा जाए एक दो तीन शुरुआत के तीन में ही मुझे मिलेंगे शुरुआत के तीन में मिलेंगे एक दो तीन बाद में कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ए ए ए तीनों में और बाद में ओ ओ है शुरुआत के तीन में एक दो तीन मिलने चाहिए शुरुआत के तीन में एक दो तीन मिलने चाहिए शुरुआत के तीन में एक दो तीन मिलने चाहिए हाँ मिल रहे हैं ना सर भले ही फॉर्मेट अलग अलग है लेकिन इसी में तो मिल रहे हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है बिना भी, सोल्यूशन के सोल्यूशन कर दिया बोलो आंसर आया कि नहीं आया बोलो आंसर आया कि नहीं आया यस और नो मेरे लाल बहुत अच्छे नहीं भाई कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है अरे ऐसे होता है आंसर ऐसे निकालना है एग्जाम में चलो अगला सवाल आ रहा है मजा चलो फोड़ो फोड़िए मेरे लाल फोड़िए मेरे लाल जल्दी फास्ट देखो चार और चार मतलब कन्फर्म है चार को चेक ही मत करो चार पहले ही नंबर पे आएगा मत चेक करो चाहे ये नंबर एक पर मिलेगा आपको नहीं चेक करना आपको क्योंकि तो ऑप्शन ने पहले ही बता दिया कि चार शुरुआती शुरुआत में रखा है मत करो चेक आप तो बाकी चार के ऊपर ही आ जाओ थोड़ी है ना चलो छोड़िए आ जाओ मजा ही मजा आ रहा है चलो अच्छी बात है देखते हैं सर अब देखो इनिशियल करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें इनिशियल से करते हैं इस चीज को देखो ए सॉरी डी सब में सेम है सर एल आई भी सब में सेम है सर डबल एल बोलो डबल एल डबल एल डबल एल यहां पर भी है डबल एल यहां पर भी इनसे हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते एक परसेंट भी कि पहले कौन और बाद में कौन आएगा लेकिन इसके बाद वाई पांच वाई सर जी पच्चीस पर आता है वाई पच्चीस पर आता है वाई पच्चीस पर आता है ई e, चार पर आता है वाई पच्चीस पर आता है क्या पता चला चार, चार, ये सॉरी ई e, पांच पर आता है ये चौथा जो ऑप्शन है ये पाँच, पाँच पर आता है मतलब ई e, पांच पर आता है बाकी सारे पच्चीस 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 और पच्चीस हैं चौथा सबसे पहले मिलेगा चौथा सबसे पहले मिल रहा है कुछ भी नहीं पता, पता कर पाए अच्छा वाई के बाद में देखो सब में डी है वाई के बाद सब में डी है नहीं पता करना ए है नहीं पता हो पा रहा एल 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 है ओके, यहां तक तो सब कुछ सेम था कोई पता ही नहीं कर पा रहे थे हम अब आ जाओ पर 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 आता 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 है वाई, 25 पर आता है ए, 9 पर आता है है e, सॉरी आई नो पर आता है चलो इसमें देखो नो सबसे पहले आएगा मतलब चार के बाद में पांच मिलना चाहिए चार के बाद में पांच नहीं मिल रहा चार के बाद में दो मिल रहा है यह भी गलत है तो चार के बाद पांच चार के बाद पांच या तो ऑप्शन ये सही है ऑप्शन ये सही अब एक चीज और देख लो तीन इसमें भी आ रहा है और तीन इसमें भी आ रहा है मतलब इनके तीसरे नंबर पर तीसरा ऑप्शन आएगा इसको भी मैं हटा देता हूं इसको भी मैं हटा देता हूं बहुत गंदा गंदा सा हो गया समझ में आ रही है चीजें क्योंकि अगर आप लोग इस पे नजर मारोगे तो समझ में आती रहेंगी क्योंकि गंदा करना जरूरी है समझ में आएंगी नहीं अगर मैं सीधा साफ साफ शब्दों में समझाऊंगा तो अब ऐसे ही समझ में आएंगे है ना अब देखो सवाल की गाड़ी अटकती है कि दो पहले आएगा या एक पहले आएगा आखिरी में सवाल की गाड़ी सिर्फ इतनी से अटकती है इन दोनों में से पहले कौन आएगा तो मेरे लाल देखो एल के बाद में आई आ रहा था आई नो पर आता है एल के बाद में वाई आ रहा था वाई पच्चीस पर आता है तो कौन सा ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर एक मिनट डी ए एल एल आई नो पर अच्छा बारह था यहां और यहां अरे वेट करो ये तो नो था ना यहाँ तो पहले दो आएगा फिर एक आएगा पहले दो फिर एक कौन से में ऑप्शन नंबर डी में है है ना कौन से में ऑप्शन नंबर कुछ मिस्टेक कर दी हमने फिर तो इसको दोबारा ही करना पड़ेगा भैया आप लोगों ही कमेंट्स तो ऑप्शन बी पे आ रहे हैं है ना इसको दोबारा कर लेंगे फिर ये गंदा ज्यादा ही हो गया हो सकता है कोई चीज हमने मिस कर दी हो चलो ये गंदा ज्यादा ही हो गया इसको दोबारा से कर रहे हैं देखो डी ऑप्शन को तो मैं पहले हटा देता हूँ अब करेंगे सोल है ना डी ऑप्शन को हमने पहले ही हटा दिया क्योंकि डी ऑप्शन हमें पता है सारे ऑप्शन में सेम चौथे नंबर पर आ रहा है तो हमें नहीं चेंज चेक करना बाकी को चेक करना है देखो कितनी चीजें सेम है यहाँ तक आते हैं हम है ना डी आई डबल एल वाई डी ए एल एल यहां तक सेम है

चलो आया समझ कैसे सर जी नो पर आता है नो पर आता है पच्चीस पर आता है पच्चीस पर आता है तो के बाद में मुझे पता है और सिर्फ इसमें मिल है ऑप्शन बी में मिल रहा है ओके यू आर करेक्ट ठीक है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आ गया समझ कैसे आया यस और नो आ गया समझ अच्छा जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ समझदार हो जाते हो आप लोग हैं पढ़ाते पढ़ते पढ़ते समझदार हो जाते हो ना चश्मे पर मच्छर बैठता है लाल कहां, मच्छर भी कहाँ आ जाते हैं कैसा मौसम है ना मच्छर आ जाते हैं चलो फोड़ो वट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अप्री बड़ी देखो बी एल बी एल बी एल बी एल सब में बी ए एल सेम है हमने बी ए एल को ही हटा दिया ए एल को ही हटा दिया बी एल को ही हटा दिया बी एल एंड बी एल आगे आओ एल दूसरा आगे बोलो बारह एक बारह एक, एक तो मेरे लाल आप लोग क्या ये बता सकते हो आप लोग क्या ये बता सकते हो कि एक और तीन सबसे आखिरी में मिलेगा मुझे एक और तीन सबसे आखिरी में मिलेगा कंफर्म है कि नहीं है ये कमेंट बॉक्स में चाहिए एक और तीन सबसे आखिरी में मिलेगा भले वो तीन एक के फॉर्मेट में लिखा हो या एक तीन के फॉर्मेट में लिखा हो क्योंकि अच्छा। सबसे बड़ा है बारह और बारह दोनों सबसे आखिरी में मिलेंगे ऑप्शन नंबर और तीन। एक और मिल मिल रहे हैं मिल रहे हैं क्या नहीं गलत हो गया एक और मिल मिल रहे हैं मिल रहे हैं क्या नहीं गलत हो गया या तो ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है और एक और तीन के फॉर्मेट में है तो अब आप एक और तीन को चेक की मत करो आप दो चार और पांच पे आओ कि पहले कौन और बाद में कौन आएगा तो सर इनमें से चेक करते हैं उसके बाद बोलो एन 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 उसके बाद में बोलो सी 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 अच्छा ई e, पांच पर आता है ई e, पांच पर आता है आई नौ पर आता है तो फटाफट बताओ क्या दो और चार के बाद में पांच आएगा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेट पांच नौ पर आता है ये तो कुछ फिर गलत कर दिया क्या हमने पी ए एल एन ई क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा अपना फिर गलत कर दिया हमने कुछ ना कुछ एस एक तीन बी ए एन सी ई डी बी ए एल ए एन सी ई इस ये चार पहले आएगा चार पहले आएगा फिर आई आए और डी अरे ऐसे कैसे हो गया चार के बाद में ई के बाद में डी आएगा ओके पांच और फिर अरे सही तो है हाँ ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना गाइस ऑप्शन सी सही तो है आ जाओ समझाते हैं कैसे सही है ऑप्शन सी राइट है बिल्कुल ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर जी देखो कैसे सही है जब हम इसको सोल्व करने पहुंचे तो हमें पता चला एक और तीन तो सबसे आखरी में आएंगे तो हमें पता चला सर या तो सी सही है या डी सही है इसमें तो बी एल तक थी बी सेम मिला, में, सेम मिला, में, सेम मिला में। के बाद में ई e आया सी के बाद में ई e आया सी के बाद में आई आया तो सर पता चला ये दोनों में से कोई पहले आएगा ई के बाद में डी रहा है जो कि चार पर आता है ई के बाद कुछ नहीं आने इसका मतलब जीरो तो सबसे पहले कौन आएगा चार उसके बाद में कौन आएगा दो तो सब सर पहले कौन आया चार फिर दो फिर पांच चार दो फिर पांच कौन सा ऑप्शन right अगला सवाल शाम की क्लास में आपको ता आप तो सब चारों अलग अलग ऑप्शन झलक रहे होंगे तो शाम की क्लास में दिक्कत नहीं आएगी जो भी गंदे होने की दिक्कत आ रही है ठीक है अगला सवाल है पी कुछ तो बहुत हो गुम कुछ तो बहुत आओगे तुम चलो रहे मतलब हो मतलब सवाल ऊपर नीचे लेके रह रहे हो एकदम खतरनाक लेवल पे आंसर दिस क्वेश्चन गाइस चलिए व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी सर देखिए फटाफट से देख लीजिए सर क्या डी ई सब में सेम है डी ई सब में सेम है डी ई सब में सेम है डी ई को हटा दिया गया है सवाल में से डी ई को सवाल में से ही हटा दिया गया है क्योंकि डी ई तो सब में सेम है कोई काम का ही नहीं है उसके बाद की चीजें काम की तो असली मजा तो बाद में आएगा सर जी देखो सी तीन पर आता है एस उन्नीस पर आता है सी तीन पर आता है एस उन्नीस पर आता है एस उन्नीस पर आता है ठीक है कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है क्या सबसे पहले एक और तीन मुझे मिलेंगे कहीं पर भी मिले क्योंकि तीन और तीन आ रहे उन्नीस 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 वाले मुझे वो एक तीन के फॉर्मेट में लिखा हो तीन और एक मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा तीन और एक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तीन और एक मिल रहा है कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिना सोल्यूशन के सोल्यूशन कर दिया अगला सवाल अगले सवाल पे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा लाइव फोड़िए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन फटाफट 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 आंसर करिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए इस सवाल का जवाब बता दीजिए देखो ई एफ एफ ए सी सब में सेम है क्या सेम है ई एफ एफ ए सी आप सब में चेक करो ई एफ एफ ए सी सब में है सब में टोटल देखो सर ई एफ एफ ए सी हटा दो 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 ये लो सवाल इतना सा बच गया आपका इतना सा सवाल बच गया आपका और इतने से सवाल में भी एक चीज और देख लीजिएगा आप एक चीज और देख लीजिएगा कि आई नो पर आता है है ना आई नो पर आता है बाकी सब में पांच 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 तो आई नो पर आता है मतलब सबसे आखिरी में आई मिलेगा सबसे आखिरी में आई मतलब कि दूसरा सबसे आखिरी में मिलेगा मिल रहा है या? नहीं मिल रहा मिल रहा है नहीं मिल रहा कौन सा या तो बी सही है या सी सही है अब फटाफट चेक करोगे आप लोग ई इसमें भी है ई इसमें भी है ई इसमें भी है ईस्ट इसमें भी है और ईस्ट इसमें भी है अच्छा उसके बाद चेक करो ई के बाद में आर आता है अठारह नंबर पर ई के बाद में ए आता है एक नंबर पर एम बोलो तेरा नंबर पर एम बोलो तेरह नंबर पर तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको सबसे पहले मिलेगा सर जी तीन तीन के बाद कौन मिलेगा आपको तीन के बाद मिलेगा चार और पांच में से कोई एक है ना तो सबसे पहले आपको तीन मिलना चाहिए मिल रहा है क्या तीन मिलना चाहिए मिल गया सर

आंसर करो आज मैं आपको पांच सवाल दूंगा होमवर्क में कितने पांच क्वेश्चन दूंगा अभी अभी नहीं थोड़ा और करो एक दो सवाल और करो, दो सवाल चार अभी टाइम है अपने पास में क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर आंसर मिल गया क्लास के सबमिट होने के बाद तो फिर मैं सोचूंगा कि हां आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई हैं पांच क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको होमवर्क क्वेश्चन चलो फिर शाम को दम दम लगा के लंका लगा के प्रैक्टिस करनी है ठीक है मेरे लाल शाम को सात बजे प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाना कोई मिस नहीं करेगा शाम की सात की प्रैक्टिस क्योंकि ये चैप्टर खत्म कर देंगे आज अपन प्रैक्टिस करके देखो सर और एक्स सब में सेम है ठीक है बात आती है उससे आगे ए एक पर आता है ओ पंद्रह पर आता है ए एक पर आता है ए एक पर आता है एच आठ पर आता है, है। यही काम खत्म हो जाएगा सवाल का देखिए क्या मुझे इतना पता चल गया क्या इतना पता चल गया कि जो पंद्रह वो सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि एक एक, एक आठ सब तो बड़े बड़े हैं पंद्रह सब तो छोट छोटे छोटे पंद्रह सबसे बड़ा है तो मुझे ऑप्शन भी सबसे आखिरी में चाहिए मिल रहा है नहीं मिल रहा गलत मिल रहा है नहीं मिल रहा गलत तो मुझे या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है और भी ज्यादा आप नोटिस करोगे तो एक एक चीज और आपको पता चलेगी कि एक, 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 एक और यहां आठ है तो आठ आएगा सबसे आखिरी में मतलब दो तो दो तो आ चुका गलत कौन सा सही ऑप्शन नंबर कहीं सोल्व करा गया क्वेश्चन हमने पता ही नहीं करा क्या ऑप्शन निकाल दिया आंसर आया समझ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अगला सवाल अगले सवाल पे आइए फोड़िए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबडी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन जल्दी से फटाफट से फोड़ दीजिए आंसर क्या होगा इस सवाल का वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज सी एडी सी एडी सी ए डी सब में सेम है सी ए डी तो सी ए डी को क्यों ना उखाड़ फेंका जाए सी ए डी को क्यों ना उखाड़ फेंका जाए इस सवाल से इस सवाल की जायदाद से बिल्कुल दखल कर देंगे है ना इस सवाल की जायदाद से बिल्कुल बाहर कर देंगे पता चला डी चार पर आता है डी चार पर आता है ई e, पांच पर आता है अब फटाफट फटाफट मेरे को बताओ कौन पहले कौन बाद में आएगा सर इन सब से इतनी चीज तो समझ में आ रही है कि ई e, सबसे ये जो आपका इक्कीस है ये सबसे बड़ा और सबसे आखिरी में हमें मिलेगा इक्कीस सबसे आखिरी में मिलना चाहिए गलत हो गया सबसे आखिरी में मिलना चाहिए इसमें भी नहीं है गलत हो गया मतलब सी या तो इसमें है आखिरी में तीसरा या आखिरी इसमें है तीसरा तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा है ना आप लोग कमेंट में कर रहे हो ए सही है ए सही है चलो ए को चेक कर लेते हैं अभी उसके देखो। उसके बाद बाद देखो सर जी एक चार चार पांच अब पांच आएगा सेकंड लास्ट पे है ना सेकंड लास्ट पे पांचवा ऑप्शन मिलना चाहिए सेकंड लास्ट पे पांचवा इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा सेकंड लास्ट पे पांचवा तो कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर डी गलत हो गया आया समझ में कि नहीं आया अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो एक बार सारे बच्चे कि मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मेरे लाल अब फटाफट फटाफट स्क्रीन शॉट मारना चालू करो है न? स्क्रीन शॉट मार लेते चलो अगर हो रहा है स्क्रीन शॉट तो बाद में क्लास के लास्ट में देख लेना समझ में आ जाएगा सवाल नंबर चौदह स्क्रीन शॉट मारो होमवर्क क्वेश्चन है ना स्क्रीन शॉट मारो

चैलेंज देता हूं बहुत मजा आएगा आप सभी को, सभी को 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 क्लास में आना है शाम को बजे अब मैं चलता हूं कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आज शाम को प्रैक्टिस करके डिक्शनरी को खत्म कर देंगे लेकिन आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तो और क्लासे लगा दी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है तो आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम टेक केयर गाइस लव यू वीडियो को लाइक ठोक दो जिसने लाइक नहीं ठोका अभी